हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है मुझे सब लोग ठीक होंगे एंड अपने घर पे सेफ होंगे। सो आई होप बेटा अब तक आपने चैप्टर फर्स्ट को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। ठीक है, आपको ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट 13 पार्ट जो है चैप्टर फर्स्ट के थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन को हमने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है हर एक टॉपिक के साथ। ठीक है, दिस इज़ द 14th पार्ट इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द NCERT एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे NCERT एक्सरसाइज। तो बेटा अब क्या होगा, आपके पास जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उसको हम किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जैसे आपने पढ़ तो लिया थ्योरेटिकल पार्ट, लेकिन न्यूमेरिकल में कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चंस को लगाने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि आपको एक बेसिक मतलब एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, क्योंकि दो ही चीज़ आपको चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, एक तो आपका फॉर्मूला और एक तो आपको कोरिलेशन करना आना चाहिए। ठीक है, चाहे वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से आप कोरिलेट करें, चाहे वो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करें, आई मीन फॉर्मूला से कोरिलेट करें। ठीक है, चलो कमिंग टू द फर्स्ट एग्जाम्पल, जो आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, हमारे पास एक NCERT की बुक है जिसमें हम एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अबाउट हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल ये कह रहा है आपसे कि हाउ कैन यू चार्ज। ठीक है, आप कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एक मेटल स्फीयर है, उसको भी कैसे चार्ज करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है, यानी आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है। ठीक है भाई, समझेंगे। देखो आपके पास एक तरीका है, देखो ये एग्जाम्पल कुछ नहीं, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जब हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में मेथड ऑफ चार्जिंग, उसमें हमने आपको तीन मेथड बताया था, मेथड ऑफ कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन, जिसमें हमने बताया था तीनों के अलग अलग मेथड्स के बारे में। यहाँ पे हमें बात करना है कि सर विदाउट टचिंग, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है बेटा हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर विदाउट टचिंग इट। तो सोचो बेटा, जब विदाउट टचिंग आप करने की बात कर रहे हो, ठीक है, विदाउट टचिंग, तो इसका मतलब कि ये कौन सा मेथड होगा, इंडक्शन वाला मेथड होगा। मेथड ऑफ चार्जिंग, ये भी तो चार्ज करने के लिए बोला गया ना, एक बॉडी को चार्ज करना है आपको, यानी कि चार्जिंग मेथड यूज करना होगा, और उसमें से भी विदाउट टचिंग वाला मेथड आपसे बोला गया है, यानी कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटा, तो इंडक्शन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, एक अनचार्ज बॉडी लेना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, टेक एन अनचार्ज बॉडी। ठीक है, तो आपने ये ले लिया अनचार्ज बॉडी। ठीक है, UC मतलब अनचार्ज बॉडी। ठीक, और आपने क्या लिखा कि सर एक अनचार्ज बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी को ले आइए। कौन सी बॉडी ले आइए, हमने C लिख दिया, यानी चार्ज बॉडी। अब समझना यहाँ पे कंसेप्ट यहाँ है, आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है, और ये कैसे चार्ज, ये अभी अनचार्ज है, तो ये कौन सा चार्ज बॉडी यहाँ पे हम लेकर आएंगे। देखो अगर हमें टच करना होता, कंडक्शन करना होता, तो सेम चार्ज हम लेकर आते हैं, यहाँ हमें इंडक्शन यूज करना है, इसका मतलब अपोजिट चार्ज लाएंगे, तो हम कैसे चार्ज लेकर आएंगे, कैसे चार्ज लाएंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ब्रिंग टुवर्ड्स द अनचार्ज बॉडी, और उसके बाद आपको पता है ड्यू टू इंडक्शन होता क्या है, आपके जो चार्ज बॉडी होती है हमारी, ठीक है, चार्ज बॉडी में, ठीक है, तो ड्यू टू इंडक्शन हमने बताया था कि ये हम जब लेकर आते हैं इसके पास, जब एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के पास लेकर आते हैं, तो इसके रीजन में, क्योंकि आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इसके रीजन में क्या होगा, ये इफेक्ट आएगा, इफेक्ट होगा, जब इफेक्ट होगा तो यहाँ पे अपोजिट चार्ज जनरेट होते हैं, हमने बताया था ड्यू टू अट्रैक्शन, क्योंकि चार्जेस ये नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों चार्ज हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्लस वाले चार्ज इस सरफेस पे आ जाएंगे इसके साथ अट्रैक्ट होने के लिए, और नेगेटिव चार्ज अपोजिट चले जाएंगे इससे रिपेल होने के लिए, है कि नहीं। तो यानी कि आपका कुल मिला के ये कह सकते हो कि बॉडी पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, और आपने कहा कि सर नेगेटिवली चार्ज इधर आ जाएंगे, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब क्या करें, आपने देखा कि सर जब आप इसको पास में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला स्टेप ये निकल कर आएगा कि सर हमारे पास ये जो चार्ज दिख रहा है, ये इसका तो हमें कोई काम है नहीं, हमसे पूछा गया पॉजिटिवली चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को रिमूव कर दे, तो नेगेटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए हम क्या कर दे बेटा, ग्राउंडिंग कर दें। ठीक है, हम ग्राउंडिंग कर देंगे तो ये चार्ज हमारे चले जाएंगे, तो अब क्या बचेगा हमारे पास, जब हम ग्राउंडिंग कर चुके हैं तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या चार्ज बचेंगे, सारे के सारे प्लस चार्ज बचेंगे।
ठीक है, आई बात समझ में? सारे के सारे प्लस चार्ज बचेंगे यहाँ पे सरफेस में। अब आप समझो सरफेस में तुम कहोगे कि सर इतने ही पार्ट में पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है भाई इतने पार्ट में तो नेगेटिव था, ये निकल के चला गया। तो अब क्या हुआ, इतने पार्ट में जो स्पेस हो गया, जो सरफेस पे चार्ज थे हमारे, ये जो चार्ज थे ये क्या करेंगे, एक सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करेंगे। और जब सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमने बताया था कि ये चार्जेस क्या होते हैं, पूरे के पूरे सरफेस पे स्प्रेड हो जाते हैं इक्वली, या फिर कह सकते हो सिमेट्रिकली, या फिर यूनिफॉर्मली। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए और ये हमारा किस तरीके का चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर वन जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, कमिंग टू एग्जांपल नंबर टू। एग्जांपल नंबर टू में आपसे कहा गया है बेटा कि सर इसमें एग्जांपल नंबर टू है, हाँ एग्जांपल नंबर टू में कहा गया है इफ़ 10^9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है 10^9 इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, प्लीज़ एनसीईआरटी की बुक को खोल के बैठ जाए और उसमें आपको वन बाय वन क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, समझो चलो। तो आपसे कहा गया बेटा कि इफ़ 10^9 इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन एवरी सेकेंड, एक सेकेंड में, तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अनदर बॉडी। मतलब क्या हुआ बेटा, समझो क्वेश्चन नंबर टू, एग्जांपल नंबर टू, सॉरी ठीक है, दिस इज एग्जांपल नंबर टू। आपसे कहा गया है सर 10^9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है 10^9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एक सेकेंड में, समझना इस बात को, एक सेकेंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर। ठीक है, आपसे बोला गया है कि 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन तो यही है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट द टोटल चार्ज, आई बात समझ में? ठीक है, तो क्वेश्चन को ज़रा समझेंगे। देखो 1 कूलम चार्ज को आपको क्या करना है, भेजना है। 1 कूलम चार्ज होता क्या, ज़रा समझो। हमने आपको बताया था सिंपल सा फॉर्मूला, आपके पास याद होगा एक फॉर्मूला है Q equals to IT, बहुत ही अच्छे से आपको पता है। एक फॉर्मूला है Q equals to N into E, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, वेयर N इज़ द इंटीग्रल पार्ट, हमने बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इंटीग्रल पार्ट है। तो ये 10^9 इलेक्ट्रॉन्स जो दिख रहे हैं आपको, 10^9 इलेक्ट्रॉन्स जो दिख रहे हैं ये क्या है, ये सारा का सारा आपका N की तो वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है ये N है आपको, ये Q मत समझ लेना, ये N है आपको, तो N आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है, या तो हमारे पास इसके अलावा तो और कोई फॉर्मूला है नहीं, हमारे पास यही तो फॉर्मूला है। तो आप ऐसा कर लो बेटा यहाँ से कि सर अगर हम Q/I कर ले तो टाइम आ जाएगा, लेकिन आप I कहाँ से लाओगे, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि सर ऐसा करते हैं कि पहले हम ऐसा कर लें कि जितने नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक सेकेंड में, ठीक है, तो वहाँ से हम टोटल चार्ज निकाल लें। टोटल चार्ज तो निकाल ही सकते हैं कि एक सेकेंड में टोटल चार्ज कितना जा रहा है, इतना तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला होता है N into E, एन हमने देख लिया सर 10^9 इलेक्ट्रॉन्स है, ई हमारे पास पता है चार्ज 1.6 × 10^-9 तीन होता है, नहीं होता कूलम में, ये होता है कूलम में, तो इतना कूलम हो गया, यानी Q equals to कितना मिल गया हमारे पास, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 1.6 × 10^-19 और ये +9 यानी कि -10 कूलम। तो समझो इतना कूलम चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, इतना कूलम चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है एक सेकेंड में, तो 1 कूलम चार्ज कितने में होगा, तो भाई इसको डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है 1.6 × 10^-10 कूलम ट्रांसफ़र हो रहा है एक सेकेंड में, तो 1 कूलम ट्रांसफ़र होगा कितने में, तो 1/1.6 × 10^-10 सेकेंड में, सिंपल सी बात है कि नहीं, बताओ। इसको तो हम लोग सिंपल यूनिटरी मेथड कहते हैं बेटा, हाँ कहते नहीं कहते बताओ। तो अब आपको एक सिंपली डिवाइड करना है 1/1.6 × 10^-10 सेकेंड, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा।
आंसर इसका देख लेते हैं, आंसर इसका कितना आएगा जब आप डिवाइड करोगे 1/1.6 × 10⁻¹² को, सो इट बिकम्स अप्रॉक्स 6.25 × ये पावर ऊपर चला जाएगा 10⁻¹, इसको सॉल्व करोगे अबाउट 9 आएगा, अप्रॉक्स 9 सेकेंड आएगा। ठीक है, तो मैंने ये थोड़ा सा आपको शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे कितना सेकेंड आएगा। आपसे टाइम पूछा गया, हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर्ड, ठीक है, टू ट्रांसफर 1 कूलम चार्ज। तो मेरे ख्याल से ये सिंपल क्वेश्चन था, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखा आपने, आपको क्या यहाँ पे करना था, आपको सिर्फ फॉर्मूला को रखना था और रिलेट करना था कॉन्सेप्ट को, सिंपल सी बात है। वन सेकेंड मैं बता दे रहा हूँ, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है एक सेकेंड में, ठीक है। तो एक सेकेंड में पहले हम देख लेंगे कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, उसका फॉर्मूला Q=NN2E कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही रखेंगे। 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हमने रख दिया, टोटल चार्ज हमें मिल गया, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक सेकेंड में, ऐसा गिवन है हमें। तो एक कूलम कितने में हो जाएगा, इसको नीचे डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो दो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से समझ लिया हमने, कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो अभी आपके ये सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, आगे आपके थोड़े से और लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स आएंगे, तो अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे समझाने में, आप समझदार हो बेटा। चलो आई होप एग्जाम्पल नंबर 3, 1.3 या 3 बातें की है, एग्जाम्पल नंबर 1.3 लिखा है या 3 लिखा है बातें की है। इन दिस एग्जाम्पल समझना क्या लिखा है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। ठीक है, इसका मतलब ये आपसे पूछा गया है कि सर एक कप ऑफ वाटर है, उसमें कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज होंगे। ये तो बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है। देखो आपको कुछ भी गिवन नहीं है, तो कुछ भी गिवन नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता है कि सर एक कप ऑफ वाटर है, एक कप ऑफ वाटर है। तो देखो लॉजिक क्या कहता है कि सर आपके पास वाटर गिवन है, आपको कहता है सर एक कप ऑफ वाटर गिवन है, ये भी लॉजिक कहता है। तो आप एक कप को मान लो बेटा कितने ग्राम, 250 ग्राम मान लो, आपकी मर्जी, आप 200 ग्राम भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया 250 ग्राम वाटर उसमें आता है, एक कप ऑफ वाटर में, ठीक है। और वाटर आ रहा है तो वाटर का क्या होता है, हमारा फॉर्मूला H2O होता है। तो बेटा इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो देखो 16 × 2 = 18 हो जाएगा, 18 होता है, 18 यूनिट होता है, इसको हम ग्राम में भी लिखते हैं, 250 ग्राम ये हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन समझो जटा बेटा, जरा यहाँ पे आपको अप्लाई होगा एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट। क्या कहता है एवोगैड्रो, कहता है कि सर एक ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, एक ग्राम सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमारे पास होता है 6.023 × 10³ पर मॉलिक्यूल, ऐसे तो होता है ना, पढ़े हो ना, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे इतना लिख दूँ, इतने नंबर ऑफ एटम्स या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर ग्राम कह सकते हैं, तो एक ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एक ग्राम में, ठीक है। तो 250 ग्राम में कितने होंगे, क्योंकि 250 ग्राम है वाटर के, तो 250 ग्राम में जब हम निकालेंगे बेटा तो ये कितना आएगा, 250 × 6.023 × 10³। अब बात ये आती है कि सर ये तो था आपका ग्राम में, आपको वाटर का निकालना है, वाटर की टोटल क्वांटिटी है, तो बेटा मास में आपको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, आपने तो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा ही होगा। तो डेफिनेटली इतना है आपका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हैं, तो इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा टू गेट द टोटल मास, और इससे इंटू कर देंगे क्योंकि एक ग्राम में इतना होता है, यह हमारे पास पहले से पता है। डन होगी, इतनी बात क्लियर होगी, सिंपल। ये क्या आया है, ये सारा का सारा क्या है, ये पूरा का पूरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस वाटर इनटू 50 ग्राम। तो ये क्या है, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसको आप लिख सकते हो बेटा यहाँ से। ये क्या है, यहाँ से ठीक, ये है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वाटर इन 250 ग्राम, यानी कि ये कह सकता हूँ मैं कि ये एन ही तो है, ये क्या है, एन ही तो है। तो क्या मैं यहाँ से टोटल चार्ज भी तो निकाल सकता हूँ, एन इन टू ई, बताओ निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो क्या मैं यहाँ से एन इन टू ई भी तो निकाल सकता हूँ बेटा, तो बस मैं एन इन टू ई कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, है कि नहीं, बताओ।
होगा कि नहीं होगा बता। अब सोचने वाली बात ये थी कि सर ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, ई क्या है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कहा गया है ठीक है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अभी हमने जो एन निकाला है ये एन क्या है बताओ, ये एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वाटर, तो भाई एन और ये एन में डिफरेंस नहीं है। तो आपको ये समझना होगा कि सर इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले आपको इसका टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस वाटर के मॉलिक्यूल्स में, इस वाटर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे भी आपको इसको इंटू करना पड़ेगा टू गेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सी बात है भाई ना, आप इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंटू करोगे तभी तो इसके मॉलिक्यूल इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल्स में अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंटू कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिल जाएंगे जो ट्रांसफर हो रहे थे, अब उसमें हम ई से इंटू करेंगे तब आपका यहाँ आएगा। यानी कि ये अभी एन नहीं है, यानी कि ये अभी भी एन नहीं है। अब आपको एन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू गेट द वैल्यू ऑफ एन इस वाले वैल्यू में हमें क्या करना पड़ेगा, 250 बाय 18 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23, इसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंटू करना पड़ेगा। तो वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जरा जल्दी से बता दो, वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आई होप हाइड्रोजन में एक होता है तो एक और एक दो हो गया, दो हाइड्रोजन है तो, और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 8 और 2 10, टोटल तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको 10 से इंटू करना पड़ेगा सो दैट यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो कप ऑफ वाटर में इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स मतलब है, यानी कि आपको इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब मिल जाएगा, ये n की वैल्यू है, इस 10 को मल्टीप्लाई करने के बाद n होगा ठीक है। तो ये गलती यहीं पर हो जाती है स्टूडेंट से, तो ध्यान देना है आपको अब इंटू करना है e, तो अब q निकालना है तो n इंटू e कर देना है, यानी अब आपको e की वैल्यू यहाँ रख देना है, तो इसी वाली वैल्यू में आपको बस क्या कर देना है e की वैल्यू, और e की वैल्यू कितनी होती है तो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इसको यहाँ रख देना है, इसके साथ इंटू कर देना है, और टोटल मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यू विल गेट द रिजल्ट, और वो ऑलमोस्ट कितना आता है तो वो आता है ऑलमोस्ट रिजल्ट इज़ 1.34। देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ बेटा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, कैलकुलेट करना आपका काम है, आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा एग्जांपल में, बस हमें समझाना है, समझ लो क्वेश्चंस को बस ठीक है। सो यू विल गेट 1.34 10 टू द पावर 7 कूलम, इतने नंबर ऑफ इतना चार्ज होगा मतलब ये कह रहा है ठीक है, कितने नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की बात की गई है इतने चार्ज होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा आपको दिखने में लेंदी लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन उसको अगर हम समझे तो बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं ठीक है। बिकॉज इन क्वेश्चन नंबर 4 एग्जांपल नंबर 4 आपसे जो क्वेश्चन दिया गया है ठीक है बेटा, ये एक सिंपल क्वेश्चन है लाइक फोर्सेस के कंपैरिजन का ठीक है। देखो क्वेश्चन कहा गया है कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज की बात की गई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है हमें थोड़ा सा और अच्छे से समझना होगा, स्पेस थोड़ा सा चाहिए और ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर वे इन अ बेटर वे ठीक है। ठीक है चलो देखते हैं यहाँ से इन एग्जाम्पल 1.4 इसमें लिखा है कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भी है फॉर फोर्सेस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, तो दो पॉइंट चार्ज है, अभी देखो चार्ज का नाम नहीं दे रखा है ठीक है। दो चार्ज हमारे पास एक होता था Q1 और ये Q2, डिस्टेंस बिटवीन आर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट मासेज, बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस, यानी कि उसमें क्या होता था M1 M2 बीच में R होता था, भाई ये तो हमें भी पता है, इसको हमने कह दिया सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको हमने कह दिया सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है FG ठीक। आगे कंपेयर यहाँ पे दे रखा है कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, आपको कंपेयर करना है और फर्स्ट केस दे रखा है, फर्स्ट केस दे रखा है, केस फर्स्ट इज गिवेन, यू हैव टू कंपेयर दिस टू फोर्सेज फॉर
यहाँ पे दे रखा है कंपेयर दिस टू फोर्सेज बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी आपको मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है एफ ई बाई एफ जी का, ये मैग्नीट्यूड मॉड लगा दिया हमने, ठीक है। आगे पहला पॉइंट दे रखा है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर अ प्रोटॉन, यानी कि पहला पॉइंट में है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। फर्स्ट पॉइंट फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। डिस्टेंस हम आर ही मानेंगे, डिस्टेंस की बात नहीं की गई है। फॉर टू प्रोटॉन, दूसरा पार्ट में कहा गया है फॉर टू प्रोटॉन, यानी कि ये भी प्रोटॉन और ये भी प्रोटॉन, ठीक है, टू प्रोटॉन के बीच में। एंड तीसरा पॉइंट भी इसमें दे रखा है एस्टिमेट द एक्सीलरेशन। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है, दो पॉइंट ही दे रखा है। एंड तीसरा इसमें जो दे रखा है पार्ट बी, ये एक्चुअली 14 का ए है, उसमें फर्स्ट उसमें सेकंड, और 14 का ये बी है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्सेज ऑफ देयर नेचुरल अट्रैक्शन, जो भी है, ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन कह सकते हो। आर, अच्छा डिस्टेंस दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम, लो डिस्टेंस आपको मिल गया, यानी आर गिवन है, आर कितना गिवन है, तो मैं आर ले लिख दे रहा हूँ 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम आपको पता होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन ये तो आपको पता ही है। चलो भैया क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बस आपको समझ लेना है, कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे। चलो देखो, पहले और दूसरे में तो आपको कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ भी आपको सिर्फ क्या निकालना है, एफ ई बाई एफ जी का मॉड निकालना है, ठीक है। ज़रा समझे, पहले केस में कहा बेटा कि ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एक प्रोटॉनिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा, तो जल्दी से बता दो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, उसको के मान लो, के Q1 Q2, यानी ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पी प्रोटॉन डिवाइड बाई आर स्क्वायर, हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स लेकिन हमारे मास के लिए लगेगा, यानी कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए, ये तो होना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो अब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट में जी यूज होते हैं, यहाँ पे जी M1 M2 होता है, याद करो। तो अब यहाँ पे एम ई, ठीक है, और एम पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, भाई होगा कि नहीं होगा, दोनों का रेशियो चाहिए, मॉड में चाहिए, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, यानी हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते ही आपके पास देखो आर तो वैसे ही कट जाना है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस हमने मान लिया, के कांस्टेंट जी भी कांस्टेंट, आपको वैल्यू पता है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज पी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन सब तो पता ही है। तो बस आपको क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है के ई पी, देखो के ई पी नीचे जी एम ई और एम पी, यही तो रेशियो आएगा ना, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ वेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। देखो अगर आपको नहीं पता है तो बता दो, चार्ज का इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -10^19 कूलम, शायद आपको पता ना हो, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों का सेम चार्ज होता है, यानी कि प्रोटॉन का भी कितना आएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ ही होता है, फ़र्क क्या होता है, ये माइनस में ये प्लस में, आई बस समझ में। चलो तो ये दोनों वैल्यू आप रख दोगे उसमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन भी देख लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ऑलरेडी गिवन है, इट इज़ गिवन 9.1 × 10⁻³¹ kg, -31 kg मतलब, और प्रोटॉन का आपको दे रखा है 1.67 × 10⁻²⁷ kg, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको गिवन है, आपको बुक में गिवन है, इसकी वैल्यू आप रख दोगे, कैलकुलेट कर लोगे, आ जाएगा। चलो इसमें देख लो, ये भी प्रोटॉन ये भी प्रोटॉन, तो भाई जब एफ ई रखोगे बेटा तो आपके पास फॉर्मूला के Q1 Q2, यानी पी और पी पी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें क्या आता है जी M1 M2, तो यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन और ये भी मास ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, भाई M1 M2 दोनों सेम इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, सो यू विल गेट के पी स्क्वायर डिवाइड बाय के, सॉरी के नहीं जी हो जाएगा ना, ये जी एम पी स्क्वायर, दिस इज द आंसर। इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये वैल्यूज गिवन नहीं रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, इसमें आते हैं लास्ट वाला पॉइंट में, ठीक है भाई, लास्ट वाले पॉइंट में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, ठीक है भाई, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी देख लेते हैं।
जब आपने कहा कि सर किसी भी चार्ज बॉडी पे फोर्स लगता है, ठीक है, तो वो चार्ज बॉडी एक्सेलेरेट होता है। ये कब हमने कहा था? जब हमने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पढ़ा था, ठीक है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई फोर्स तो लगेगा ना, और फोर्स लगेगा, और लास्ट में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्सेज ऑफ देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो एक बार समझो, जब आप फोर्स लगाओगे बेटा तो ये फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/4πε0। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात की गई है तो ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन म्यूचुअल इंटरेक्शन की बात की गई है, तो यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन आप लिखोगे, डिवाइड बाय इनके बीच की डिस्टेंस की बात की गई है, डिस्टेंस की जगह पे आपको 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। अच्छा, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है बेटा, आपको बता दूँ, 10⁻¹⁰ मीटर, ठीक है, 10⁻¹⁰ मीटर। तो वो आप यहाँ रख दोगे 10⁻¹⁰ मीटर, और इसका स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है आपको, प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है, चार्ज सबको पता है, ये भी तो पता है ना, 1/4πε0 भाई, 9×10⁹ होता है, सिंपल। और F फोर्स है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता क्या करना है, एक्सीलेशन पता करना है। बट हमारे पास ये तो पता है ना कि F=ma होता है, बताओ होता है कि नहीं होता। अब समझो, जब हम दोनों इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करते हैं उसमें थोड़ा सा आपको फर्क पड़ेगा समझने में। जब आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हो कि सर इस फोर्स से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मोशन में उसके, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलेशन आप नोट कर रहे हो। उस केस में जब आप नोट करोगे तो F=मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेना इसमें, ठीक है, और इस फोर्स के इक्वल कर देना, इस वाले फोर्स के इसके इक्वल कर देना, ये दोनों क्या कर देना, इक्वल कर देना, इक्वल कर देंगे आ जाएगा भाई, इस फोर्स को इसके इक्वल कर दो, ठीक, यही तो फोर्स लग रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि सर दूसरी बार मास ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन पे भी लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो हम मान लेंगे कि एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन, दूसरी बार में इसको इसको इक्वल कर लेना, इक्वल कर लेना। तो क्वेश्चन क्या समझ में आया कि सर ये पूरी वैल्यू तो हमें पता है, देखो ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, सब पता है। यहाँ से अब F की जगह पे, इस F की जगह पे हमने रख दिया मान लो MP और AP, हमें निकालना क्या है, एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालना है, एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन बस रख देंगे, और मास ऑफ प्रोटॉन आपको देखो दे रखा है। सिमिलरली दूसरे वाले, इस वाले फोर्स को फिर अब इससे कंपेयर कर देना, इक्वल कर देना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, देखो आपको एक्सेलेरेशन निकालना है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चंस आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, जस्ट आपको वैल्यू इक्वल करके निकाल लेना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। कमिंग टू एग्जांपल नंबर 1.5, ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1.5 को भी देख लेते हैं, कितने एग्जांपल्स हैं, हम आज देख लेते हैं इन सबको। चलो एग्जांपल नंबर 1.5 में आपसे कहा गया बेटा, लुक एट एग्जांपल नंबर 1.5, आपसे कहा गया है कि एक चार्ज बॉडी है, एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर है, और उसको कहा गया इट इज सस्पेंडेड। देखो क्वेश्चन को समझो, एक 1.5, ठीक है, एग्जांपल एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, ये एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर, इट इज सस्पेंडेड, ठीक है, सस्पेंडेड है बाई अ नायलॉन थ्रेड। तो ये थ्रेड हो गया, ये आपका क्या हो गया, थ्रेड हो गया, ठीक है, थ्रेड हो गया। अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी, चार्ज बोला गया है, ये भी चार्ज है, वो भी चार्ज है, मेटेलिक स्फीयर बी, ठीक है, जिसको पकड़ा गया है हेल्ड बाई एन इंसुलेटिंग हैंडल, एक इंसुलेटिंग हैंडल से इसको किया गया, टच किया गया है, इस तरीके से मान लो, ठीक है, ठीक है, ये स्टैंड है, मान लो हैंडल है, ये क्या है आपका, हैंडल है, ये थ्रेड से लटका हुआ, ये हैंडल से, ठीक है, लिखा है यहाँ पे, विच आर कैप्ट एट अ डिस्टेंस, या बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इनके सेंटर से इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें चार्जेस भी गिवेन है एज गिवेन इन दिस फिगर, फिगर भी गिवेन है, बहुत अच्छी बात है, इसमें गिवेन है फिगर में कितने चार्ज है, 4 चार्जेस है, इसमें गिवेन है कितने हैं, +2, 2+ चार्ज है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है बेटा द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ ए इज नोटेड,
ए और बी कौन है इसमें बता दूँ, ये ए है और ये आपका बी है। ए में रिपल्सन होगा क्योंकि प्लस चार्ज इसके पास लेकर आओगे, इस प्लस चार्ज को इसके पास लेकर आओगे तो रिपल्सन तो होगा ही होगा, दोनों सेम चार्ज है, ठीक है, रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, आपसे कहा गया है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहा गया है, क्वेश्चन काफ़ी फालतू में इसमें लिखा हुआ है अच्छी खासी। स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड, स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी, तो दो अनचार्ज स्फीयर है सी और डी और उससे आप टच करा रहे हो, ठीक है। तो एक बार हमने कह दिया कि सर एक अनचार्ज स्फीयर है, यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, अगर एक मिनट, एक अनचार्ज स्फीयर आप इससे टच करा दो और एक अनचार्ज स्फीयर इससे टच करा दो बोला गया है, और अनचार्ज मान लो कौन सा है सी है, यहाँ अनचार्ज कौन सा है डी है, दो अनचार्ज स्फीयर है जिसको आप टच करा रहे हो, ठीक है, आफ्टर अ सम टाइम, ठीक है, उसके बाद उनको रिमूव कर दो, ठीक है भाई, रिमूव कर दिया, एंड देन ब्रॉट इट क्लोज टू ए। अब उसके बाद बोला गया है अब इस बी को ए के पास लेकर आओ, और वो भी कहाँ पे लेकर आओ, आपसे बोला गया है अप टू 5 सेंटीमीटर बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिपल्सन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। स्फीयर ए सी बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइजेस और इग्नोर द साइज ऑफ ए एंड बी, कंपेरिजन टू सेपरेशन बिटवीन देम, वो सब चीज़ें हटाओ, ठीक है, फालतू की चीज़ें। मेन क्वेश्चन समझो भाई, मेन क्वेश्चन आपसे कहा गया है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझो। ये सेंटर है, इनिशियली एक ये थ्रेड से बांधा हुआ है और ये हैंडल से पकड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों चार्जेज हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है, चार्ज इस पे ज़्यादा इस पे कम, लेकिन और दोनों के सेंटर से सेंटर डिस्टेंस दे रखा है, सेंटर टू सेंटर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरे स्टेप में कहा है कि एक अनचार्ज बॉडी है सी और डी, इसको भी टच कराओ ए से और डी को टच कराओ बी से, लेकिन थोड़ी देर तक, कितने देर तक, थोड़ी देर तक, और थोड़ी देर बाद फिर क्या करो बेटा, थोड़ी देर बाद इनको रिमूव कर दो, थोड़ी देर टच किया फिर इनको रिमूव कर दो। जब आप रिमूव करोगे, अच्छा रिमूव करने से पहले जब आपने टच किया तो बेटा यहाँ पे कंडक्शन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन होगा कि नहीं होगा, ड्यू टू कंडक्शन चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे कि नहीं होंगे भाई, चार चार्ज थे तो ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा चार्जेस को भाई, चार्ज करेगा ट्रांसफ़र, और चार्ज करेगा तो दो इसको दे देगा, दो इसके पास बचेगा, यहाँ से भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा, इसमें दो थे तो इसने एक दे दिया, एक इसके पास बचेगा। अब बोला कि चार्ज को, चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को कॉन्टेक्ट करने के बाद अब इसको आप रिमूव कर दो थोड़ी देर के लिए। जब आप रिमूव करोगे बेटा तो इसके चार चार्ज थे, वो दो चार्ज तो ले गया ना, और इसके कितने थे, दो चार्ज थे, एक ये ले गया, तो अब कौन सा बचा, अब आपके पास ए में बच गया कितना, ए में अब बच गया आपके पास दो चार्ज, और अब आपके पास बी में कितना बच गया, बी में कितना बच गया, अब आपके पास एक चार्ज बच गया। लेकिन अब बोला गया है कि ए और बी के सेंटर से डिस्टेंस कितना है, अब इसको पास लेके आ रहे हैं 5 सेंटीमीटर तक, यानी अब ये बी आपका कहाँ चला आया, अब आपका बी यहाँ चला आया, ठीक है, अब बी आपका यहाँ आ गया, ठीक है, दिस इज बी, एक चार्ज, और इनके बीच का सेंटर से सेंटर डिस्टेंस अब कितना हो गया है, अब सेंटर से सेंटर डिस्टेंस हो चुका है आपका कितना, 5 सेंटीमीटर। तो कूलम्स लॉ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन काफ़ी घुमावदार है लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, यही 3 स्टेप में क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो बेटा कूलम्स लॉ में कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, ज़रा सोचते हैं। देखो जब आप कूलम्स लॉ की बात करते हो तो कूलम्स लॉ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो चार्ज और दूसरा उनके बीच का डिस्टेंस। देखो यहाँ पे जब आप कूलम्स लॉ निकालोगे इनिशियली, तो मैंने लिख दिया F1, इनिशियली F1 या FI कर लो इनिशियली, तो K तो कोई चेंज नहीं आना, K ही रखो, Q1, Q2, मैंने कहा सर यहाँ पे चार है, 4 चार्जेस है, तो ऐसा करता हूँ मैं इसको क्यों मान लूँ, कितना मान लिया मैंने इसको, क्यों मान लिया, तो 4 का आधा यहाँ पे है तो कितना होगा ये, Q/2 हो जाएगा, तो ये कितना हमने मान लिया, Q/2 मान लिया, ठीक है, ये हमने मान लिया सर क्यू था, अब ये Q/2 हो गया, तो बेटा के कितना आ जाएगा, के Q1 की जगह क्यू है, Q2 की जगह Q/2 है, ठीक है, डिवाइड बाई R2, आर कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, डन हो गया। दूसरे पे आओ, एफ फाइनल, इनिशियल था, फाइनल पे आओ, फाइनल पे आने से पहले देखो चार्ज चार थे, दो ट्रांसफ़र हो गए तो दो बचे, तो अब दो बचा, यानी कि ऑलरेडी जो क्यू था अब ये Q/2 बचा, ठीक,
यहाँ क्यू बाई टू पहले से था, उसका भी हाफ हो गया, उसमें से भी हाफ चला गया, तो अब कितना बचा? क्यू बाई फोर बचा। आई बात समझ में? तो अब आप चार्ज क्या बचा कि क्यू बाई टू इंटू क्यू बाई फोर, और डिस्टेंस कितना है? फाइव। सो फाइव स्क्वायर। इनको बेटा आपको बस देखना है कि क्या ये इक्वल आए हैं, क्या इनमें इफेक्ट आया है, बस देख लो भाई क्या दिक्कत आया है, सब कुछ तो देख लो दिखा है भाई। के से के उड़ा दो, उड़ गया। और कुछ बचा? जो बचा लिख दो, क्यू और क्यू क्यू स्क्वायर टू टू टेन टू द पावर टू है, हंड्रेड है, स्क्वायर करोगे हंड्रेड। वैसे सेंटीमीटर में है, मैं सेंटीमीटर में ही रख दिया है क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर कट जाएगा, तो भाई हंड्रेड ही रख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ देखो क्यू 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 स्क्वायर टू फोर जा एट, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। आई बात समझ में? देखो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर उड़ गया, ठीक है बेटा। क्यू स्क्वायर टू हंड्रेड टू हंड्रेड टू इंटू हंड्रेड एट और ट्वेंटी फाइव टू हंड्रेड कट गया, पूरा कट गया, इक्वल टू वन आ गया। दैट मीन्स कि एफ इनिशियल एंड एफ फाइनल कितना आ गया? वन आ गया, यानी कि बोथ आर इक्वल, यानी नो इफेक्ट विल बी देयर, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट आया क्या बताओ? दोनों ही केस में, इनिशियल एंड फाइनली दोनों ही केस में आपके रेशियो तो सेम आ गए ना, वन आ गया ना रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा दोनों वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कूलम्स लॉ का इफेक्ट, ठीक है। चल कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 1.5 हो चुका है, कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 1.6 पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1.6, ध्यान से समझो, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1.6 को समझने से पहले मुझे लग रहा है इसको हटाना ही पड़ेगा, चलो हटा देता हूँ, देख लो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। वैसे मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1.6 पे आते हैं बेटा। 1.6 में कहा गया है, इट इज गिवेन, कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 इच इक्वल टू Q। भाई तीन चार्जेस हैं, Q1 इक्वल टू, Q2 इक्वल टू, Q3, तीनों इक्वल दे रखा है, Q के इक्वल, ठीक है, Q के इक्वल है। एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबसे अच्छी बात इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की है, तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल तुरंत बना लो, ठीक है। इक्वल ट्रायंगल की खास बात क्या है? साइड सारे सेम होंगे सारे के सारे, ठीक है। वैल्यू भी मान लो कुछ ए बी सी हमने मान लिया। आगे समझो क्वेश्चन को, ऑफ साइड एल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है? एल होगी, डन हो गया। व्हाट इज द, अच्छा ये भी ध्यान देना आपको, इच चार्जेस क्यू एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के वर्टिसेस पे है, ये वर्टिसेस होते हैं, इसमें भी क्यू है इसका मतलब, यहाँ भी क्यू है इसका मतलब, और यहाँ भी क्यू है इसका मतलब। आई बस आगे आगे समझो, आगे कहा गया है बेटा कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल क्यू, फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल क्यू, ठीक है, विद द सेम साइन एज प्लस क्यू। देखो सबसे बड़ी बात है, आपको सेम साइन कहा गया, इस क्यू और इस क्यू के साइन को सेम कहा गया, यानी ये भी प्लस ये भी प्लस, सेम साइन, ठीक है, ये कहा गया। व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस प्लस क्यू चार्ज विच आर प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे रखा है तो कितना फोर्स आएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चंस को हम बहुत, आपको देखो शॉर्ट में भी बता दे रहे हैं, आपको जब ऑब्जेक्टिव में इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं तो भी आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है फोर्स एट क्यू, और क्यू कहाँ है? सेंट्रॉइड में है, तो सेंट्रॉइड कहाँ होता है बेटा आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड यही तो होगा, ये यहाँ पे रखा है आपने क्यू, यहाँ पे आपने रख लिया क्यू, इसको थोड़ा सही कर दूँ, ठीक है, ये है आपका प्लस क्यू, ये आपने लिख दिया प्लस क्यू, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कि नहीं देख लूँ, ओके विजिबल है, ठीक है। तो क्या दिख गया यहाँ से? इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स निकालना है इन तीनों चार्ज की वजह से, ये भी प्लस में है, ये भी सारे के सारे प्लस में है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सेंट्रॉइड को मान लो सेंटर है, तो भाई कुछ नहीं, तो ओ तो मान ही सकते हो, सेंट्रॉइड है ओ मान लिया, प्लस क्यू चार्ज रखा है आपने, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन को Q
किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर के लिए, समझना, किसी भी ज्योमेट्रिक या किसी भी ज्योमेट्रिक नहीं सिमेट्रिक फिगर कह सकते हो, हाँ, जैसे ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमेट्रिक फिगर है, स्क्वायर है सिमेट्रिक फिगर है, ठीक है, पेंटागन है सिमेट्रिक फिगर है, तो कुछ इस तरीके के सिमेट्रिक फिगर्स होते हैं, ठीक है, हेक्सागन वगैरह जो मतलब होते हैं, उसके सेंटर पे पेंटागन नहीं हेक्सागन, पेंटागन में तो आता है सॉरी हेक्सागन में, तो कुछ ऐसे सिमेट्रिक फिगर्स होते हैं जिसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज अगर बन जाते हैं तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है। और हमने आपको एक पॉइंट बताया था, क्या बताया था, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज के बारे में, तो किसी चार्ज को अगर हम बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब उस चार्ज पे बाकी सारे चार्ज की वजह से फोर्स का जो भी अफेक्ट था वो जीरो हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी इस चार्ज पे इन तीनों की वजह से जो फोर्सेज आएंगे वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है, तो फोर्सेज क्या आएगा, नेट फोर्स विल बी जीरो, सिंपल सी बात। लेकिन ये तो रहा एक लाइन का लॉजिक जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, लेकिन आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, जरा देखो, पहले समझते हैं बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो फोर्स की डायरेक्शन बाहर होगी कि नहीं होगी, तो इन दोनों की वजह से बाहर, इधर समझो, ये भी प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज, तो इनके बीच में भी तो रिपल्सन, बाहर की तरफ फोर्सेज लगेगा, ये भी प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज। अच्छा ये सोचो, मैंने सर बाहर की तरफ यहाँ क्यों नहीं लिया, इधर क्यों नहीं लिया, भाई सुनो, इसके वजह से इस पे चार्ज, इस पे फोर्स ले रहा है तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन बाहर होगी ना, हम इसके वजह से अगर इस पे लेते तो इधर जाते, समझ में आई बात, इसलिए इधर, तो इस पे इसके वजह से इधर, बिल्कुल देखो। अच्छा इधर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो लाइन इनको ज्वाइन करती है, लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्जेस, उसके अलॉन्ग फोर्सेस की डायरेक्शन होती है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन यही है, तो इसके अलॉन्ग ही तो होगा, है कि नहीं, इसको ज्वाइन करने वाली अलॉन्ग, तो ये कौन सी फोर्सेज होगी, तीसरी फोर्सेज होगी। तो यहाँ पे हमने तीन फोर्सेज देख लिए, एक दो तीन फोर्सेज का नाम लिख लो, इसको लिख लो ये F1, इसको आपने लिख लिया ये F2, इसको आपने लिख लिया ये F3, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, चलो आगे समझते हैं जरा। इसके बाद देखो, हमें कोई भी फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए बेटा बताओ, हमें चाहिए चार्ज और उसके बीच का डिस्टेंस, सिंपल। यहाँ आपको चार्ज तो दे रखा है, क्या चार्ज दे रखा है, एक स्मॉल क्यू एक कैपिटल क्यू, लेकिन उसके बीच में क्या डिस्टेंस आपको दे रखा है, क्या ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस आपको पता है क्या बताओ, नहीं पता ना, ना ये डिस्टेंस पता है ये वाला, ये भी नहीं पता, ना ये डिस्टेंस पता है आपको यहाँ से यहाँ, नहीं पता है, तो आपको पता कैसे चलेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, हम उसी डिस्टेंस को पहले निकालेंगे, चलो निकाल लेते हैं। देखो सिंस ये मान लो आपका ट्रायंगल था, ठीक है, डन हो गया, और हमने कहा कि सर हमें ये जो है सेंट्रॉइड पता चल गया था, वो सेंट्रॉइड, तो जनरली होता क्या है, इसका रेशियो होता है 2:1 में, ये क्या करता है, डिवाइड करता है, और ये एल्टीट्यूड का भी काम करता है, ये क्या करता है, इसकी खास बात क्या है, ये एल्टीट्यूड का भी काम करता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एल्टीट्यूड भी होगा, और ये साइड को बाइसेक्ट भी करेगा, तो टोटल साइड कितना है हमारा, लेंथ L है, टोटल लेंथ कितना है L, तो L by 2 हो जाएगा, बाइसेक्ट भी करेगा इसको, और ये आपका L हो गया, ये भी पता चल गया, ठीक, और ये 2:1 में डिवाइड हो गया, इसको हमने मान लिया A, इसको कोई पॉइंट मान लो D, AD, इसको हमने O माना हुआ है, तो यहाँ से क्या आता है कि AO ratio OD कितना होता है, 2:1, ये बहुत ही बेसिक सी बात है ट्रायंगल के बारे में। अब देखो ये 90 तो बनेगा ही बनेगा, ये हाफ हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, अब AD तो निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस, तो इसमें आप क्या कर लो, पाइथागोरस यूज कर लो, ठीक है, इसमें आप पाइथागोरस यूज कर लो, और पाइथागोरस यूज करते ही आपको मिल जाएगा, इसको A, इसको B और इसको C माना था, तो AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AB हाइपोटेनस है ना बेटा, तो AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, अरे इतना तो पता ही है, ठीक है, AB आपको दे रखा है L स्क्वायर, BD आपको पता है L/2, तो L स्क्वायर/4 हो गया, AD आपको निकालना ही है था, AD आप निकाल लो, तो देखो सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आएगा, L स्क्वायर - L स्क्वायर/4 इक्वल्स टू AD स्क्वायर, सो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से करोगे बेटा 4 × 4 3/4 L² = AD² आएगा, सो देयरफॉर AD = कितना आएगा √3/2 L,
रूट थ्री बाई टू एल आ जाएगा। अब ये रूट थ्री बाई टू एल जो दिख रहा है हमारा, ये क्या है, ए डी है, ए डी। और हमने देखा था रेशियो क्या है हमारे पास, ए ओ इज टू ओ डी इक्वल टू टू रेशियो थ्री। यानी मैं पूरा ए से डी तक की अगर बात करूँ, ए से डी, तो यूनिटरी मेथड हमारे पास क्या कहता है कि दो और ये वन, टू और वन, सॉरी, तीन यूनिट की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ कि सर तीन यूनिट की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री बाई टू इंटू एल बाई टू और वन थ्री, टोटल हो गया थ्री, इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है बाई ए डी। देखो टू और वन थ्री, ए डी तो आएगा, एक की वैल्यू निकाल लेंगे ओ डी की, लेकिन हमें चाहिए कौन सी, हमें चाहिए ए ओ, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस चाहिए ना बेटा, ए ओ ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, और ये तीनों के तीनों इक्वल ही होंगे, इक्विलेटरल है, तो ए ओ हमें चाहिए। तो ए ओ का मतलब टू की वैल्यू चाहिए, तो टू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो रूट थ्री बाई टू इंटू एल, देखो टू से इंटू कर दोगे और थ्री से डिवाइड कर दोगे, यही तो होता है। तो इसको डिवाइड करोगे टू से, टू कट जाएगा। अब ये अंडर रूट थ्री से थ्री को कट करोगे तो अंडर रूट थ्री टाइम्स, तो एल बाई रूट थ्री क्या आएगा, एल बाई रूट थ्री कितना आया, एल बाई रूट थ्री आया। ये एल बाई रूट थ्री क्या आया, ये आया आपका ए ओ, तो ए ओ कितना मिल गया, ए ओ मिल गया एल बाई रूट थ्री। ज़रा ध्यान से देख लो, ठीक है, एक बार ज़रा ध्यान से देख लो, चलो ठीक है। अब हमारे पास आ चुका है ए ओ, यानी ये ए ओ आ चुका है। अब हमें यही तो चाहिए, ए ओ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस हो चुका है, और यही डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तीनों के तीनों सेम है। यानी हम क्या लिखेंगे, सिंस ए ओ इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, या सबके सब इक्वल हैं और सब एल बाई रूट थ्री हैं, ठीक है। ऑल्सो फोर्सेज बिटवीन दिस एफ वन एफ टू एंड एफ थ्री की अगर हम बात करें, तो तीनों के तीनों के जो मैग्नीट्यूड है ये भी तो सेम आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ। मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो अलग अलग है, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगी। कैसे आएगी भाई, देख लो, एफ वन इक्वल्स टू एफ टू इक्वल्स टू एफ थ्री, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, मॉड लगा दिया, खुश। तीनों की वैल्यू कितनी आएगी, तो के टाइम्स के तो लगाना ही है, क्यू वन क्यू टू, तो सब में क्यू इंटू क्यू हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू हो जाएगा, डिवाइड बाई आर, आर की जगह ये है ए ओ, देखो ए ओ या ओ सी या ओ बी, यही आर होगा, इनके बीच का डिस्टेंस लो, या इनके बीच का, इनके बीच का, यही तो आर होगा। और आर हमारे पास कितना आ गया, एल बाई रूट थ्री, एल बाई रूट थ्री का मतलब एल स्क्वायर, स्क्वायर हो जाता है ना नीचे, तो इसका थ्री हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री टाइम्स, दिस विल बी द फोर्स, इसको हमने मान लिया एफ, इन तीनों की वैल्यू सेम है, उसको हमने एफ मान लिया, और इसकी वैल्यू आएगी इतना मैग्नीट्यूड में। इतनी बात भी क्लियर हो गई, बताओ इसमें कोई डाउट। अब बात आती है कि सर ये तो मैग्नीट्यूड में तीनों फोर्सेज इक्वल हैं, डायरेक्शन में तो अलग अलग है, नेट फोर्स अभी कहाँ आया, नेट फोर्स आया क्या अभी, नहीं आया। नेट फोर्स हम तब निकालेंगे जब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे इस पर, ठीक है। अब लगाएंगे यहाँ से, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपको बेटा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा देना है, यहाँ से आपको सिंपल मिल जाएगा। कैसे, देखो तो कंपोनेंट देखेंगे पहले, फोर्स के कंपोनेंट देखेंगे हम, ठीक है। जरा समझो भाई, तीन फोर्सेस थे, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, यही तो दिख रहा है वहाँ, देखो। अब देखो इनके बीच का एंगल कितना होगा, बताओ कितना होगा, बताओ। देखो हमारे पास ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये इक्विलेटरल है, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों साइड तो इक्वल होंगे ना, है ना। एंगल कितना बनाएंगे, 120 का, ये वाला 120, ये वाला 120, ये वाला 120, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह जा रहा है, तो ये तो उसको हाफ कर देगा, यानी 60 कर देगा। तो 60 और 60 ऐड करोगे, ये 60, ये 60, तो ये पूरा कितना हो गया, 120 हो गया। यानी ये एंगल 120 बन जाएगा, ये भी 120, ये भी 120। बस अब आपको इन दोनों को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, चाहे किसी भी दो को कर दो एक तरीके से। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको कंपोनेंट को डिवाइड कर दिया, ठीक है, मैंने इसके कंपोनेंट को डिवाइड कर दिया, मान लो कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। देखो ये था बेटा इस तरीके से 120, 120 और ये 120, ठीक है। अब देखो हमने किया कि सर ये नीचे वाला जो फोर्सेज है ये है आपका, ठीक है, क्योंकि तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है, हम एफ ही ले रहे हैं, इसको भी एफ ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके सब मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। देखो ये डायरेक्शन था आपका और ये डायरेक्शन था, है ना, ये डायरेक्शन है ना,
देखो जब आप इसको यहाँ से ये डिवाइड करते हो इस तरीके से, तो यहाँ आपको एंगल कितना बनेगा, देखो ये 90 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ भाई। 90 क्यों बनेगा, क्योंकि हमने एक्सिस मान लिया ये, तो ये 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, कितना एंगल था 120, तो ये कितना हो गया 30 हो गया कि नहीं हो गया बताओ। हाँ सिंपल सी बात है। अब ये 30 आप ले लो तो ये कितना हो गया 60 हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी हो गया, होगा कि नहीं होगा बताओ। ठीक है, अब देखो दोनों ही फोर्सेस को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप 60 के अकॉर्डिंग करो या 30 के अकॉर्डिंग, कोई एक अकॉर्डिंग कर लो, किसी एक के अकॉर्डिंग, हमने डिवाइड करके आपको बता दिया है। ठीक है, आपको देखो इसको डिवाइड करना है, मैंने कहा सर 30 के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, 30 के अकॉर्डिंग जब करोगे तो 30 के अकॉर्डिंग तो ये वाला मैं हटा दे रहा हूँ, किसी एक के अकॉर्डिंग कर लो। 30 के अकॉर्डिंग करोगे तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, एफ कॉस 30, तो ये कितना आएगा एफ साइन 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई सिंपल। और ये वाला भी करोगे तो ये भी एफ कॉस 30 हो जाएगा भाई, कॉस 30 के साथ है, और ये वाला कितना हो जाएगा तो एफ साइन 30 ये भी हो जाएगा, दोनों के दोनों एफ साइन 30, इसका भी एफ साइन 30, इसका भी एफ साइन 30, और ये एफ कॉस 30। देखो ये दोनों इक्वल है ना, अपोजिट विल कैंसिल आउट, ये दोनों सेम डायरेक्शन विल एड अप, सो दिस रिजल्टेंट डायरेक्शन विल बिकम्स, यहाँ पे दोनों के दोनों ऐड कर दोगे तो रिजल्टेंट डायरेक्शन में क्या जाएगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन में आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एफ साइन थीटा 2f sin थीटा, और 2f sin थीटा कितना होता है 1/2, तो 1/2 कैंसिल आउट, कितना आया एफ ही तो आया ना बेटा, तो यानी दिस रिजल्टेंट बिकम्स, इनका रिजल्टेंट कितना है एफ आएगा, तो एफ अपवर्ड एफ डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स बिकम्स F - F = 0, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ऑन द चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था उस, ठीक है, देखो नेट फोर्स विल बी कट के 0। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.6। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 1.7, लेकिन एक मिनट उससे पहले देख ले, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, तो ऐसा करते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाते हैं। ठीक है, जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं 1.7, 1.8, 1.9 एंड और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आई होप इन सबको थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। ठीक है, तब तक आप एक बार फीडबैक दें मुझे कैसा लग रहा है, तो मैं फिर इसको आगे कंटिन्यू करूँ। ठीक है, थैंक यू प्लीज़।